أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं कई दिनों से सुन रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान को जंग की धमकी दे रहा है। मैं इंडिया के मुर्तद और हिंदू हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हम पाकिस्तानी आर्मी और आवाम के साथ छाना बछाना करे हैं। तुम हमारा न कुछ बिगाड़ सकते हो, हम बहुत जल्द पारे होने वाला है इंशाअल्लाह। जिस तरह हमने अमरीका को रुलाया, इस तरह तुम्हारा भी यही हाल होगा। और जो धमकियां तुम देते हो, हमने जो धमकियां तुम देते हो, ये आपसे पहले कई ममालिक ने हम लोगों को दी है और फिर उनका हश्र पूरी दुनिया ने देखा है। और हमारे ताकत का अमरीका से पूछ सकते हो कि हमने उसको आने पर मजबूर कर दिया है। तो ऐसा न हो कि कल को धमकी देते रहे हो और हमारे झंडे दिल्ली और मुंबई में लगी हुई हो। कश्मीर तो ऐसा भी हमारा है और ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। कश्मीर तो छोटा सा टुकड़ा है, हमने अफगानिस्तान को पटा दिया। और मैं मोदी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 20 साल के जंग की तईद की है तो हम मुसलमान हैं, हमने 100 साल की जंग की तईद की है। और अभी तक तो हम अमरीका के साथ जो जंग था ना, वो तो हमारा तरबियत था उसके साथ। अगर आप एक मुजाहिद को शहीद करोगे तो हमारे माओ ने ऐसे बच्चे जन्म दिए हैं कि एक मुजाहिद के बदले 100 मुजाहिद करे होंगे इंशाल्लाह। और आपके 500 पूजी मर्तद गाय के पुजारी और हमारा एक मुजाहिद बराबर है इंशाल्लाह। के 1000 लड़कियां साल की पोस्ट कन्वर्जन का शिकार होती हैं। और मैं यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी वालों से सवाल करता हूँ कि ये सिर्फ लड़कियों को विस्डम क्यों मिलती है, कि वो अल्लाह ने इनको क्यों रोशनी डाली है कि वो मुसलमान हो जाती है, लड़के क्यों नहीं होते? एक हिंदू सिख क्रिश्चियन पारसी माँ बाप बच्ची पैदा करते हुए डरते हैं। वो ये डरते हैं कि हम बच्ची पैदा करेंगे, 12-13 साल की होगी, इसका अगवा करके हमारे सामने ले जाएंगे, तो वो बच्ची पैदा करते हुए डरते हैं। ये माशरा है पाकिस्तान। अब इंसानों के रहने की सोसाइटी नहीं रह गई। आपने देखा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जिसने अफगानिस्तान में अभी साबित कर दिया। आज सुबह काबुल में तालिबान घुसे हैं तो पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान में तो कोई नॉन मुस्लिम को नहीं मारा जा रहा। वहां पे तालिबान मुसलमान लड़कियों को उठाकर ले जा रहे हैं। 15 से 45 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं, मुसलमान लड़कियों को उठाकर ले जा रहे हैं। इनकी दरिंदगी के आगे कोई नहीं बच रहा कोई। और पाकिस्तान की सोसाइटी पे मुझे अफसोस होता है कि अगर यही तालिबान पाकिस्तान में आके इनकी लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे तब ये क्या करेंगे, क्या जश्न मनाएंगे? ये इतनी मूर्ख कौम है कि जो टेररिस्टों को सपोर्ट नहीं करती, टेररिस्टों को क्रिएट करती है और फिर एक्सपोर्ट करती है, खास तौर पे नेबरिंग कंट्रीज में, जबकि पूरी दुनिया में जो टेररिज्म का जो नेटवर्क है उसका हेड ऑफिस पाकिस्तान है। आपको अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें बतूल नामी एक लड़की पुलिस कार में पेट्रोल बम फेंकते हुए पकड़ी गई, पता चला पाकिस्तान की स्टूडेंट थी। आपके बराबर में 135 करोड़ का देश है भारत। क्या कभी आपने सुना हो कि कोई भारतीय कहीं टेररिज्म में, किसी गलतकारी में आपको कोई करता हुआ नजर आया हो?
इतनी अजीम सोसाइटी से हम लोगों का भी डीएनए वही है, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद हम पता नहीं इंसान क्यों नहीं रहे, हम दरिंदे बन चुके हैं। और आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के बगैर ये दुनिया विल बी ए बेटर प्लेस टू लिव इन, क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है कि हम कोई चीज खरीदते हैं खाने की, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, वो एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है पाकिस्तान की। जब खाने की एक्सपायरी डेट गुजर जाती है तो उसमें से